और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना के 9 साल पूरे हो गए हैं। अल्मोड़ा में आज संस्थान का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने पहाड़ों में कृषि के विकास के लिए संस्थान के कार्यों का जिक्र किया, साथ ही संस्थान के संस्थापक बोसी सेन के योगदान को याद किया। साल 1924 में उन्होंने संस्थान की स्थापना की थी। अल्मोड़ा में VPKS का 100वां स्थापना दिवस अल्मोड़ा में समारोह का आयोजन हुआ। कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी ने शुभारंभ किया। इस संस्थान के लिए और पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है ना केवल कि 100 साल पूरा कर रहा है यह संस्थान, बल्कि ये संस्थान एक ऐसा परंपरा का शुरुआत किया है जो आज 100 साल के बाद पूरे देश और पूरे विश्व इसी रास्ते पे चलना चाह रहा है। वो है साइंस और स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों को किस तरीके से एक साथ मिला करके भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये हमारे डॉक्टर बोसी सेन साहब और मिसेस सेन ने दोनों मिल करके देखा है।